दो बार कराहा जनपद अध्यक्ष रहे रमेश आदिवासी ने उपचुनाव लड़ने कांग्रेस से मांगा टिकट, जीत का दिलाया भरोसा। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, मगर इस चुनाव का रंग क्षेत्र में अभी से चुड़ा हुआ है। बीजेपी हुए कांग्रेस सब तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को भी प्रत्याशी चुनना एक बड़ी चुनौती लग रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए एक से एक दिग्गज नेता उतारू है। उनमें से एक नाम है रमेश आदिवासी का, जो ककरधा गांव के रहने वाले हैं। इनका राजनीति में अच्छा वर्चस्व है। रमेश आदिवासी दो बार कराहा जनपद के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में कई युवाओं की सरकारी नौकरियां लगवाई थी। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, उन्हें सभी समाज का समर्थन प्राप्त है। वह इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए तैयार है। श्योपुर संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश आदिवासी है। रमेश जी, क्या कह रहे हो उपचुनाव को लेके, क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है इस बार? हाँ, चुनाव लड़ेंगे और टिकट मांग रहे हैं अभी कांग्रेस से। कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं? हाँ। आप किन नेताओं के संपर्क में आए कांग्रेस? अभी बाबा साहब के संपर्क में भी आए हम, और जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं दो बार। अच्छा, आप जनपद अध्यक्ष रहे हैं कराल के? हाँ। कौन से वर्ष में रहे आप? मैं 1994 में रहा हूँ और 2010 में भी रहा हूँ। क्या उपलब्धियाँ आए आपकी उस समय भी, क्या किया आपने? उस समय हमने जो है शहरी विकास से लेकर सबसे अच्छा और कई भर्तियाँ हमने करी थी, पंचायत कर्मी और शिक्षा कर्मी। आपके द्वारा लगाए गए? हमारे द्वारा लगाए गए, किसी से एक रुपया का कोई दाग नहीं है हम पे। तो क्या आपका समाज आपके साथ है चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, मेरे आदिवासी भाई सब साथ में और अन्य समाज भी मेरे साथ है। अन्य समाज भी आपके साथ? हाँ। क्या मतलब होना चाहिए अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या जरूरत है इस कराल को? कराल को जरूरत है, अभी इतने विधायक बने हैं यहाँ, किसी ने जो है सही काम नहीं किया। अभी देखो वीरपुर में जो है इज्जत लूटी गई एक आदिवासी महिला की, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता हमें, फिर भी हम निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, निर्दलीय लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे, पक्का मन बना। अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, आप देख रहे हो अभी कल परसों जो विजयपुर में हुआ है, वीरपुर में हुआ है, दो रावतों ने जो है रेप किया है एक आदिवासी महिला से, और आदिवासी समाज को दबाया जाता है, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़के इनकी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, बस ये है। आप ही के समाज से कांग्रेस का टिकट यदि किसी और को हो गया तो फिर क्या समीकरण रहेगा? हाँ, किसी को हो गया तब भी हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मेरी समाज के वोट तो मुझे मिलेंगे ही, अन्य समाज भी मेरे साथ है पूरी, किसी से विरोध नहीं है मेरा, सबका साथ मिलेगा मुझे और चुनाव जीतेंगे अपन। जनपद में जब आप अध्यक्ष रहे तब आपने क्या ऐसे काम किए सभी लोगों के लिए? हाँ, सभी लोगों को किया मैंने काम, पंचायत कर्मी शिक्षा कर्मी ये बनाए हमने, और इसके अलावा हमने जो है जितने भी रोड है बने हैं जंगल में शहरी विकास से, हमने उनको रोडों को बनवाया WBM, बाद में जो है वो प्रधानमंत्री में आए, बरगुआ है जैसे, बड़ेरा है, ककरदा से आवदा है, कई रोड है ऐसे, तालाब भी बनवाए हमने कई, और उससे हमारे ककरदा में देख लो आप, अभी इससे पानी लग रहा पूरे गांव को, सबको रोटी मिल रही है इससे, तालाब बनवाया, कई काम किए ऐसे हमने। तो आप ये बताइए, भाजपा ने अभी आपके भी समाज से अध्यक्ष भी बना रखे हैं, उपाध्यक्ष भी बना रखे हैं प्राधिकरण में, तो फिर आपका समाज उन्हें वोट देगा कि आपको वोट देगा? नहीं, इसको वोट तो ऐसा है कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कुछ ने काम किया ही नहीं। हाँ, कहीं किसी प्रकार का, अभी ककरदा का रहने वाला मैं हूँ, ककरदा का भी वो है रहने वाला, एक रुपये काम नहीं किया उसने ककरदा करने अभी तक तो, और उसके कहने पर कोई वोट देगा अभी नहीं। आप क्षेत्र में मतलब जाके देख लो, घूमो कोई भी जा करके, वैसे कहने पर कोई वोट नहीं मिलेगा आदिवासियों को। तो आपने मतलब मन बना लिया? मन बना लिया मैंने, यदि टिकट नहीं मिलता तो निर्दल लड़ूंगा मैं। मैंने काम किया क्षेत्र में और काम के आधार में वोट मांगूंगा उनसे। जीत की आशा है? बिल्कुल जीत की आशा है, सभी समाज का वोट है मेरे साथ। तो वो सब लोग कह रहे हैं? हाँ, वो सब लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव लड़ाने की बात। हाँ, सभी समाज में, एक समाज नहीं, सभी समाज से मेरी बात हो रही है कि आप निर्दलीय भरो फार्म अगर टिकट नहीं मिलता है। ये